नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली धमकी की जांच के लिए एनआईए की टीम आज नागपुर पहुंचेगी। यूपी में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हुई शुरुआत, पीएम मोदी होंगे चीफ गेस्ट। नए संसद के उद्घाटन पर मचा घमासान, विपक्षी दलों ने किया नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 6 दिवसीय यात्रा से लौटे स्वदेश, विभिन्न कार्यक्रमों का किया शिलान्यास। उत्तराखंड को मिलने जा रही है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, देहरादून दिल्ली की दूरी अब होगी मात्र 4 घंटे 45 मिनट में पूरी। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री आज जाएंगे अहमदाबाद, एमपी सरकार ने कल ही दी है उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा। सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ी, एलएनजेपी अस्पताल में किया जा रहा है शिफ्ट। धरने पर बैठे पहलवानों ने 28 मई को नए संसद भवन की तरफ मार्च करने का किया ऐलान, फिलहाल नहीं मिली पुलिस इजाजत। एलिमेंटर से हार कर आईपीएल 2023 से बाहर हुई लखनऊ, शानदार जीत के साथ मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ने रचा इतिहास। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्लडी डैडी का ट्रेलर हुआ रिलीज, 9 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर आएगी ये फिल्म।